गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग आर इंग्लिश ग्रामर। मैं आपको पहले इंडेक्स दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि ड्यू टू कोविड 19 हमने 30% सेलेबस को रिड्यूस करके 70% सेलेबस को रखा है। तो आपके 32 चैप्टर थे, उसमें से अपन 22 चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे जो टिक लगा रखे हैं अपन उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन अपन ने सेंटेंसेस पढ़ा था, आप सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लिया, अब अपन आर्टिकल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, नाउ कम टू द आर्टिकल चैप्टर नंबर 6। आर्टिकल डेफिनेशन, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और एलिबरेट अ नाउन। आर्टिकल क्या है? एक वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एंड एलिबरेट करने के लिए, उसको कुछ विस्तार से समझाने के लिए, उसका कोई नया रूप उसको मॉडिफाई करने के लिए। इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन, ये एक नाउन के पहले यूज होता है टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। ये अपन को ये बताता है कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है या नहीं है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल, द सेकेंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द का यूज़, द डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट अ नाउन इज स्पेसिफिक। डेफिनेट आर्टिकल आपको क्या बताता है कि नाउन क्या है? स्पेसिफिक है। द इज़ यूज विद अ रिप्रेजेंटेटिव कॉमन नाउन, द का यूज होता है कॉमन नाउन के पहले, जैसे विंडो, ये क्या है? कॉमन नाउन है तो इसके पहले द का यूज होगा। द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिवर, बुक, इवेंट्स, न्यूज पेपर, ओशियंस, सी, स्ट्रैंड, शिप, डायरेक्शन। इनके नाम के पहले किसका यूज होता है? द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल गीता, गीता क्या है? होली बुक है, उसके पहले किसका यूज़ होगा? द का। अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, कोई डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या ताजमहल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये इन सब के पहले किसका यूज़ होगा? द का यूज़ होगा। बिफोर पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन, पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन के पहले भी किसका यूज़ होता है? द का। द डोर, द ओल्ड मैन। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले भी किसका यूज़ होता है? द का। द हिमालय, द एल्प्स। बिफोर द नेम ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ नेशन और कास्ट, नेशन और कास्ट के रिलेटेड लोगों का यूज भी का के पहले भी द का यूज़ होता है। द इंडियंस, द हिंदूज, द चाइनीज। तो ये क्या है? नेशनल है ना, चाइनीज, इंडियंस, इनके पहले, और कास्ट हिंदू मुस्लिम, उनके पहले भी क्या होता है? द का यूज़ होता है। द इज यूज बिफोर अ थिंग विच इज़ ओनली वन ऑफ अ काइंड, जो क्या है? दुनिया में, इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में एक ही तरह की एक जो चीज़ है उनके लिए पहले भी द का यूज़ होता है। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द स्काई। द इज यूज बिफोर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के पहले भी द का यूज़ होता है, और बिफोर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले भी द का यूज़ होता है। विच रिप्रेजेंट अ होल क्लास और ग्रुप, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पूरी क्लास या पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके पहले भी द का यूज़ होता है। द काउ, द पुलिस, द डॉक्टर। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज, डेजर्ट एंड द आईलैंड ज्योग्राफिकल पॉइंट्स। द का यूज़ और किसके नाम के पहले होता है? कंट्री के नाम के पहले। डेजर्ट मतलब क्या होते हैं? रेगिस्तान। आईलैंड के नाम के पहले और ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, लाइक द USA, द चाइना, द इंडिया, द जापान। सारा क्या है? डेजर्ट है, तो सारा के पहले भी द का यूज़ होगा। वेस्ट इंडीज़ के पहले द का होगा, इक्वेटर के पहले द का होगा, नॉर्थ पोल के पहले क्या होगा? द का यूज़ होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द इज यूज विद द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री अपन ने पढ़ा है इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, उससे पहले भी किसका यूज़ होता है? द का यूज़ होता है। यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, अब ए और एन का यूज़ पढ़ेंगे अपन। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, बिकॉज दे रेफर टू नो पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। क्योंकि ये क्या रेफर करते हैं, क्या बताते हैं अपन को? ना ही कोई पर्टिकुलर पर्सन बताता है, ना ही कोई पर्टिकुलर चीज बताते हैं। नाउ अपन यूज ऑफ ए देखेंगे। यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो या उसमें कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, तो उसके पहले किसका यूज होता है? ए का यूज होता है, ठीक है? जैसे यूजफुल ट्रिप, अब ये यू है तो ये वोवल, पर ये साउंड क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, यू, य का साउंड आ रहा है। ये हिंदी में क्या होता है? व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके पहले किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। न्यू, न्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, ए का यूज होगा। कैमल के पहले भी ए का यूज होगा। वंडरफुल, उसके पहले भी ए का होगा, क्योंकि ये इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं।
ठीक है। नाउ यूज ऑफ एन, यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल। अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा हो या उसमें वोवल का साउंड आ रहा हो तो वो क्या होगा, एन होगा। अब ऑनेस्ट बोलते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है तो ऑनेस्ट की वजह से यहाँ पे किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। एस्टोनिश ए वोवल आ रहा है, एन का यूज होगा। ऑफिसर ओ आ रहा है, एन का यूज होगा। ऑनेस्ट मैन तो यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे वोवल साउंड तो आ रहा है ना ओ का, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे अपन कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं या फिर वहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्रॉस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द केसेस वेयर डू नॉट यूज आर्टिकल, जहाँ पे अपन कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं? आप देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, कोई जनरल चीज़ों के बारे में बात कर, जैसे आई लाइक बर्ड्स, आई लाइक एनिमल्स, तो वहाँ पे बर्ड के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, इनके पहले भी क्या नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन लाइक शुगर, सॉल्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक चाइल्डहुड, प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक स्वीट्स, प्रॉपर नाउन्स मीन जयपुर, रमन, ETC। नाउ नेक्स्ट, When we talk about specific sport, holidays, geography, company, languages, name of meals, name of subjects, before the name of week, days and month, days before the school, college, home, इनके पहले भी अपन क्या नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। स्पेसिफिक स्पोर्ट मतलब क्रिकेट, ठीक है, और कंपनीज का नेम, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस जानते हो अपन, हिंदी, इंग्लिश। नेम ऑफ मील्स खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, उनके पहले। नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बिफोर द नेम ऑफ वीकडेज, वीकडेज मतलब सैटरडे, मंडे। मंथ्स नेम जनवरी, फरवरी, इनके पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। स्कूल, कॉलेज, इनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अभी एक्सरसाइज है, आपको इसको सॉल्व करना है। ऑनेस्ट पेन है ओ, तो क्या इसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। ये आपको वर्कशीट गिवन है और इसके आंसर की भी सेंड करूँगी मैं, आपको ये पूरा फिल करना है। लाइक एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है तो एन आएगा। नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द हिमालयस के आगे द का यूज़ है, द हिमालयस लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। ऐसे आपको इनको फिल करना है।